हमारे लिए आज की अंजील मुक़दस मुक़दस यौहना रसूल की अंजील इसका ग्यारह बाब पैंतालीस से छप्पन अयात मुकदसा तक तब यहूदियों में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यसु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए मगर उनमें से बास ने फ्रीसीियों के पास जाकर जो कुछ यसु ने किया था उनसे बयान किया इस पर सरदार कहनों और फ्रीसीों ने अदालत आलिया की मजलिस करके कहा कि हम करते क्या हैं ये आदमी तो बहुत क्रिशमे दिखाता है अगर हम उसे ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान लाएँगे और अहल रोमा आकर हमारे वतन और कौम को ख़त्म कर देंगे उनमें से एक याफ़ा नामी ने जो उस साल का कहने आज़म था उनसे कहा कि तुम कुछ नहीं जानते और ना ख्याल करते हो कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक आदमी कौम के बदले मरे ना कि सारी कौम हलाक हो जाए उसने ये अपनी तरफ से ना कहा, लेकिन इस वाब से कि उस साल का कहन आज़म था उसने नबूत की कि यसु कौम की खातिर मरने को है और ना सिर्फ़ उस कौम की खातिर बल्कि इसलिए भी कि वो खुदा के फ्रागंदा फर्जिंदों को जमा करके कर दे बस उस रोज़ से उन्होंने ठान लिया कि उसे क़त्ल करेंगे इसलिए आइंदा यसू ने यहूदियों में ज़ाहिरन फिरना छोड़ दिया बल्कि उस इलाके में जो अबियाबान के नज़दीक है फ्राइन नामी एक शहर में चला गया और शिकर्दों के साथ वहाँ रहने लगा और यहूदियों की ईद फिसा नज़दीक थी और बतेरे फसा से पहले देहाद से यूशलम को गई ताकि अपने आप को पाक करें और उन्होंने यस्सु की तलाश की और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे कि तुम क्या ख्याल करते हो क्या वो ईद में नहीं आएगा और सरदार कहनों और फरीसीों ने हुक्म दे रखा था कि जिस किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है वो इतला दे ताकि उसे गिरफ्तार करें। करेंजिले मुकदस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदांद का शुक्र हो। ताकि खुदा यसु खुदा के प्रागंदा फरजंदों को जमा करके एक कर दे बाप और बेटे और उल्कुद के नाम से आमीन मसीह यसु में आप सब की सलामती हो बहार कॉलोनी कोटकपत लाहौर से मैं एंड्रू इसहाक आपकी खिदमत में आज की अनजीले मुक़दस पर गौर वौस के लिए हाजिर हूँ मेरे जिज़ु आज रोज़ों के दौरान आम दिनों का आखिरी दिन है कल से हम खजूरों के इतवार के साथ पाक हफ़्ते का आगाज़ करेंगे रोज़ों के इन दिनों में हम हर इतवार बिल तरतीब बियाबान मुक़दस पहाड़ सामरी औरत के साथ यकूब के कुएँ सलवाम के तालाब और आखिर में लाज़र की कब्र यीशु मसीह के साथ रहे और कल हम का काशलम में भरपूर इस्तबाल होशाना के नारों से करेंगे मेरे जुज़ो आज की तलावतों का मरकज़ी ख़याल खुदावंद ख़ुदा का तमाम बनी इंसान को एक ही कौम बनाना और उनके एक अच्छे चरवाहे की तरह हिफाजत करना है और बल्कि तमाम प्रगंदा फर्जंदों को जमा करके एक करना है आज की अनजीले मुक़दस में यहूदी मार्था और मरियम के हाँ लाजर को जिंदा किए जाने का मुआवज़ा दे कर यसु पर ईमान लाते हैं मगर बाज़ ये वाक़ देकर फरीसियों को जा सुनाते हैं जिस पर तमाम काहिन और फरीसी अदालत आलिया की एक मजलिस बुलाते हैं और यसु के मुआवज़ों और उसकी शोहरत से परेशानी का इजहार करते हैं और फ़िक्र करते हैं कि इस तरह तो लोग यसू पर ईमान ले आएंगे और हम तादाद में कम होते चले जाएंगे और यूं रूमी लोग हम पर हमला करके हमें ख़त्म कर देंगे इस पर क़याफ़ा काहन ये कहता है कि इससे कबल के हम सब मर जाएं क्यों ना हम एक अकेले यसू को ही मार डालें और उस वक्त का कहने आज़म होते हुए ख़ुदा की तरफ से एक नबोत उसके मुँह से निकलती है कि यह बेहतर है कि एक आदमी कौम के लिए मरे ना कि सारी कौम हलाक हो जाए आज हम सब जानते हैं कि एक खुदा यसू के फिदिये से तमाम बनी नौ इंसान निजात याफ्ता ठहरे हैं आज की पहली तलावत में हिज्याल नबी भी नबूत करता है कि खुदा सब को एक ही कौम बनाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि बनी इसराइल के दस कबाइल और यहूदा और बनियामीन के दो कबाइल अलीहदा दो बादशाहतें थीं ख़ुदा यसु ने सलीप पर जान देकर ना सिर्फ इन दो बादशाहताओं बादशाहतों को एक कर दिया बल्कि सारी दुनिया को तमाम बने इंसान को एक ही कौम बना दिया और अब हर इंसान बिला इम्तियाज़ नस्लो कौम व रंग खुदा यसु को अपना निजात दिंदा तस्लीम करके शाही घराने का फ़िरका बन सकता है और खुदा खुदा अपने सब प्रागंदा फर्जंदों को जमा करके उनकी अच्छे चरवाहे की तरह हिफाजत करता है मेरे अजीज़ों आज की तलावतें हमें खुदाऊंद अपने खुदा की तरफ लौटने की दावत देती हैं अगर खुदा हमें एक ही कौम बनाना चाहता है हमारी अपने रेवड़ की तरह हिफाज़त करना चाहता है तो हमें भी जानना है कि क्या हम प्रागंदा तो नहीं क्या हम इधर उधर भटक तो नहीं रहे अगर ऐसा है तो आए यसू की स्लीप को देखें और उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम करके उसकी कौम के हक़ीकी बाशिंदे बन जाएं। खुदांद खुदा हमें हमेशा अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल में छुपाए रखे आमीन